हेडलाइट जो है गाइस, दिस इज एलईडी हेडलाइट ऑन द फ्रंट। यहाँ पे आपको मिलता है हाई बीम, यहाँ पे आपको मिलता है लो बीम, एंड ये जो लो बीम है दिस इज अ प्रोजेक्टर हेडलाइट, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन सेगमेंट आपको बोल सकता हूँ। डीआरएल यहाँ पे है, काफी सही लग रहा है, हीरो मोटोकॉर्प को मतलब प्रेजेंट करता है वो। एंड ये है आपका जो लाइट है, काफी खूबसूरत है बॉस। यहाँ पे आपको मिलती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, आपको मिल जाता है मैसेजेस, कॉल मिस जो हुआ है, बैटरी परसेंटेज कितना आपको बचा है, एंड कॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। साथ में यहाँ पे आपको मिलता है फ्यूल गेज, यहाँ पे आपको मिलता है एवरेज किलोमीटर्स पर लीटर कंजम्पशन कितना हुआ है। देन यहाँ पे आपको मिलता है यूएसबी चार्जिंग सॉकेट, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आपको इसमें मिल जाता है, i3s का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको। एंड दिस इज अ 113.2 सीसी फोर स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको यहाँ पे मिलता है। इंजन का जो पावर है इट इज 9.12 पीएस, एंड जो टॉर्क है इट इज 9.79 एनएम का आपको टॉर्क मिल जाता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी नीतीश नियो। व्हाट्सअप, कैसे हो, कसा का है, एंड नमस्कार हे गिदीरा। आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। एंड आज मेरे पीछे है द ऑल न्यू 2022 का हीरो पैशन एक्सटेक। यस गाइस, आपने सही सुना है, एक्सटेक है मेरे पास आज फाइनली। मुझे बहुत सारे पिंग्स आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन आज उसका टाइम आ चुका है। सो हियर इज द बाइक। अभी हम क्या करते हैं, सीधा हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स द मोटरसाइकिल एंड चेक करते हैं बाइक में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, एंड ऐसे क्या अपडेट्स हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। सो गाइस, हियर वी हैव द ऑल न्यू पैशन एक्सटेक। ये है ड्रम वर्जन, इसमें आपको दो मिलते हैं, एक ड्रम और एक डिस्क। ये है ड्रम वाला वर्जन, एंड साथ में आपको इसमें मिलते हैं तीन कलर्स। ये जो कलर है दिस इज द ब्लैक एंड पोलस्टार, जो कलर है आपको मिल जाता है यहाँ पे, बट बाकी कलर्स जो है मैंने नीचे मेंशन किया है। साथ ही साथ ड्रम और डिस्क का प्राइसेस जो अलग अलग है वो भी मैंने नीचे मेंशन कर दिया, आप लोग देख सकते हो। इसका ये बात करते हो बाइक में हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स वॉक अराउंड। सो स्टार्टिंग फ्रंट आपको यहाँ पे मिलता है अलॉय व्हील, एंड आपको यहाँ पे मिलता है ट्यूबलेस टायर, 18 इंच का आपको अलॉय व्हील मिलता है यहाँ पे, एंड यू गेट अ सस्पेंशन जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको यहाँ पे मिलता है। एंड ब्यूटीफुल थिंग इज द हेडलाइट जो है गाइस, दिस इज अ एलईडी हेडलाइट ऑन द फ्रंट। इंडिकेटर्स जो है हैलोजन के इंडिकेटर्स है, इन हैलोजन के इंडिकेटर्स का एडवांटेज होता है कि विजिबिलिटी जो है इन टर्म्स ऑफ फॉग एंड रेन इनका ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पे मिलता है क्रैश गार्ड्स, दे हैव पुट अ ब्यूटीफुल 3D बैजिंग हियर, पैशन के नाम से है, एंड एक्सटेक आप देख सकते हो, एक कार्बन फाइबर फिनिशिंग में आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्सटेक। दिस लुक्स नाइस। ग्राउंड क्लियरेंस जो है गाइस इट्स 180 mm, काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर आप मतलब बड़े बड़े खड्डे हो गए या हम्स हो गए, आसानी से ये उसको क्लियर कर देगा। आपको मिलता है साइड स्टैंड एंड सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आपको इसमें मिल जाता है। चैन जो है इट्स अ कवर्ड चैन, एंड ये चैन गंदा नहीं होगा, एक अच्छी मतलब एडवांटेज है। मेंटेनेंस भी आपको काफ़ी कम हो जाएगा इसके वजह से। एंड सस्पेंशन जो है पीछे के, आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलेंगे, स्प्रिंग सस्पेंशन आपको मिल जाएंगे, विच इज़ गुड, एडजस्ट आप कर सकते हो प्री लोड को आपके हिसाब से। सारी गार्ड आपको मिलता है, अगर कोई पीछे सारी पहन के बैठेंगे उनके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप मतलब यू नो सीट हाइट जो है गाड़ी का इट इज 799 mm आप यहाँ पे देख सकते हो। गियर बॉक्स जो है इट्स अ 4-speed गियर बॉक्स हियर, तो यहाँ पीछे का जो ग्रैब रेज है काफ़ी स्टर्डी ग्रैब रेज है, सीट जो है काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी बड़ा सीट है, तो कोई बैठेंगे पीछे अगर क्रॉस बैठेंगे उनके लिए पकड़ने के लिए यहाँ पे ग्रैब रेज काफ़ी सही है। एंड टेल लाइट जो है इट्स अगेन हैलोजन टेल लाइट विद अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन हियर, हीरो का ब्रांडिंग है हर जगह पे। इंडिकेटर्स जो है ये हैलोजन के इंडिकेटर्स है। तो पीछे का जो टायर है गाइस दिस इज अगेन 18 इंच अलॉय व्हील का, इसको मिलता है आपको ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है। एंड एग्जॉस्ट काफ़ी खूबसूरत है, मफलर में ऊपर कवर लगा दिया गया है, कवर जो है काफ़ी शाइनी सा टेक्सचर आता है यहाँ पे। देन लेट्स नाउ टॉक अबाउट द मेन पार्ट, दैट्स द इंजन। दिस इज अ 113.2 सीसी फोर स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको यहाँ पे मिलता है, 2-valve इंजन है। साथ ही साथ इंजन का जो पावर है इट इज 9.12 पीएस, एंड जो टॉर्क है इट इज 9.79 एनएम का आपको टॉर्क मिल जाता है। ये बात करते हो गाड़ी का जो वेट है इट इज 117 kg, साथ में टैंक कैपेसिटी जो है गाइस 10 लीटर का आपको टैंक कैपेसिटी मिलता है, तो आप गाड़ी का जो माइलेज है काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इस बाइक को लेकर काफ़ी लंबे समय मतलब लंबे समय तक आप जा सकते हो। आपको पता ही है अभी जो है मार्केट में जो फ्यूल का कॉस्ट है, पेट्रोल का कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उस चक्कर में एक मतलब काफ़ी सेंसिबल ऑप्शन हो जाता है आपके लिए। एंड अभी हम क्या करते हैं, लेट्स नाउ गो टुवर्ड्स द हैंडल बार और फ्रंट कंसोल जो है यहाँ पे मेजर चेंज है। ये हैंडल बार जो है काफ़ी ऐसा पुल्ड बैक हैंडल बार है, काफ़ी हाइट के ऊपर है, आपको राइड करते हुए बहुत ज़्यादा कंफर्ट लगेगा आपको। एंड यहाँ पे आपको मिलता है इंजन स्टार्ट बटन, इंजन स्टॉप बटन, किक स्टार्ट भी आपको मिलता है, एंड इंजन स्टार्ट बटन भी आपको मिल जाता है, दोनों उन्होंने दिया है, काफ़ी सोच समझ कर दिया है। i3s का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको, एंड दिस साइड आपको मिलता है पास लाइट, यहाँ पे आपको मिलता है हाई बीम, लो बीम, लेफ्ट और राइट इंडिकेटर, एंड हॉर्न। सुनते एक बार हॉर्न कैसा है गाड़ी का, काफ़ी सही है मतलब आपके सिटी यूसेज के लिए तो बहुत सही है। तो एक बार मैं आपको फ्रंट कंसोल ऑन करके दिखाता हूँ, फ्रंट कंसोल जो है काफ़ी सही लग रहा है मुझे। एक फुल स्वाइप होती है, यहाँ पे आपको मिलती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाता है, और ब्लूटूथ में आपका कॉल रिसीवेबल, कॉल मिस्ड, जो मैसेज आ रहे हैं सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। लेट मी जस्ट शो दैट टू यू गाइस एक बार,
तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैसेजेस, कॉल भी मिस जो हुआ है, बैटरी परसेंटेज कितना आपको बचा है एंड कॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। साथ में यहाँ पे आपको मिलता है फ्यूल गेज, यहाँ पे आपको मिलता है एवरेज किलोमीटर्स पर लीटर कंजम्पशन कितना हुआ है, फिर यहाँ पे आपको मिलता है ओडोमीटर, यहाँ पे आपको मिलता है स्पीडोमीटर, देन लेट्स सी व्हाट्स इन द मोड, मोड में आपको मिलता है ट्रिप ए ट्रिप बी, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड देन आपको मिलता है मोड का बटन, देन यहाँ पे आपको मिलता है यूएसबी चार्जिंग सॉकेट जो काफ़ी मतलब सही चीज़ है बॉस, ये चाहिए आपको मतलब बिकॉज आजकल ना सबके पास फ़ोन होता है एंड सबको फ़ोन यूज़ करना होता है, तो फ़ोन यूज़ करते करते चार्ज भी खत्म हो जाता है, तो आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। गाइस साथ ही साथ बाइक में जो आपको मिलती है, आपको मिलता है i3s मतलब इंटीग्रेटेड स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी आपको मिलता है, एंड आपको मिलता है एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ चीज़ें आपको मिलती है, एंड साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है, एंड इंजन फॉल सेंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अभी अपन क्या करते हैं, गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं, फिर हम चलते हैं फॉर द राइड रिव्यू। सो गाइस हियर वी हैव द ऑल न्यू हीरो पैशन एक्सटेक, आज हम करेंगे इसका एक छोटा सा राइड रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट द बाइक राइट अवे, चाय भी कुछ ऐसा दिखता है इसका, एंड बाइक इज क्वाइट ब्यूटीफुल, आप लोगों ने देखा होगा वॉक अराउंड में, तो अभी हम शुरू करते हैं बाइक को विदाउट वेटिंग। ओह नाइस, सो व्हाट आई विल डू इज अभी अपन हम जो बात करते हैं सीटिंग पोजीशन ऑफ मोटरसाइकिल, तो सीटिंग पोजीशन जो है जैसे मैं बैठा हूँ काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हूँ मैं, मेरा जो बैक है पूरा से अपराइट बैठा हुआ है, एंड मेरे जो हाथ है काफ़ी कंफर्टेबली हैंडल बार्स के ऊपर बैठे हुए हैं, एंड मेरा जो पैर है वो सेंटर सेट है, इसका मतलब आप जब बैठते हो सीटिंग पोजीशन जो रहता है आपका काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, जैसे कि आप एक सोफे पे बैठे हो। सो दैट इज़ द बिग एडवांटेज ऑफ दिस मोटरसाइकिल, हैंडल बार जो हैंडल बार की पोजिशनिंग है ऐसा आपके तरफ ऊपर खींचा हुआ है, इसके वजह से आपका जो हाथ है काफ़ी कंफर्टेबली हैंडल बार तक पहुँच जाता है। बाइक का जो यू नो मुझे ये देखना था कि क्लच और गियर कैसा है, क्लच जो है काफ़ी सॉफ्ट है काफ़ी लाइट है, अगर आप सिटी में यूज़ कर रहे हो कहीं पे भी तो आपको बहुत इजी होगा ये क्लच मतलब गियर चेंज करने के लिए, और गियर बॉक्स जो है गियर जो है थोड़ा मिड साइड पे है, एंड साथ ही साथ मतलब सामने का जो यू नो फ्रंट कंसोल है नियॉन कलर का आपको लाइट आ रहा है दिखता मतलब काफ़ी खूबसूरत है, इसमें आपको ब्लूटूथ इंटीग्रेटेड कंसोल है। लेट्स टॉक अबाउट द मिरर्स नाउ, मिरर में कैसी दिखती है पीछे की जो विजिबिलिटी है वो कैसी है, इट्स वेरी वेरी क्लियर, मेरे हाथ थोड़ा दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो मिरर का जो शेप है काफ़ी एक्सटेंडेड है, उसके वजह से ना आपको जो ब्लाइंड स्पॉट होती है जो साइड में आ रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत आपको दिख जाएंगे। द पावर डिलीवरी इज काफ़ी जीनियर है पावर डिलीवरी, एंड ऐसे आपको कुछ दिक्कत नहीं लगता है बाइक को चलाते हुए, इट्स अ नाइस मोटरसाइकिल ऑल टुगेदर। सीट जो है सीट का जो क्वालिटी है काफ़ी सॉफ्ट है, एंड आपको मतलब अच्छा लगता है बैठने के लिए, अगर खड्डे वाले रोड भी आ गए ना आप इस बाइक को चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। एंड वॉट हैपन्स इज यू नो व्हेन यू आर राइडिंग अ मोटरसाइकिल, आप एक चीज़ देख सकते हो कि इस बाइक में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब यू नो सीट जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस सकता है, एंड आपके जो पैर है प्रॉपरली टैंक को ऐसे कस के पकड़ देती है, सो बिकॉज ऑफ विच यू हैव अ लॉट ऑफ फन, एंड राइड करते हुए आपको मज़ा भी आता है। एंड एक चीज़ और देख रहा हूँ कि गाड़ी का जो ब्रेकिंग है हम जो ट्राई करते हैं अभी कुछ ही देर में, सो अभी मैं आगे जाता हूँ, लेट मी अप्लाई द फ्रंट ब्रेक्स एट अराउंड 60 किलोमीटर्स पर आर, एंड हियर यू गो, ये ड्रम ब्रेक है लेकिन फिर भी इसका जो बाइट है इट्स प्रिटी गुड, इतना गंदा नहीं है, मतलब बहुत सारे डिस्क ब्रेक्स होते हैं जो इसका गंदा होता है लेकिन इसका अच्छा है, मतलब आई लाइक द नो बाइट ऑन दिस। अभी हम देखते हैं पीछे का ब्रेक, वो पीछे का स्कीड मरता है वसीरा, सही लग रहा है मुझे। दिस गेट्स इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम दैट्स कॉल्ड एज IBS विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। सो अभी हम क्या करते हैं सीधा हम जो चलते हैं आगे, एंड द नेक्स्ट थिंग दैट विल डू विल टॉक अबाउट इज एक छोटा सा हम जो करते हैं टर्निंग रेडियस टेस्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल विदाउट टचिंग माय फीट ऑन द ग्राउंड, मैं ट्राई करता हूँ इस छोटी से एक आधे पार्ट के रोड में करने के लिए, तो बिना अपने फीट को नीचे टच किए हुए है। ओ हो, अरे यार कितना छोटा है यार ये, मतलब कितना आसानी से बाइक घूम जाती है बॉस ये। आई लाइक दिस पार्ट, आई लाइक दिस आइडिया ऑल टुगेदर। तो गाइस अभी तक मैं देख रहा हूँ तो अभी तक उतने वाइब्स नहीं है, कुछ बढ़िया सा वाइब्स नहीं है, लेकिन थोड़ा देर इज़ अ बिट ऑफ अ बज ऑन योर फुट पेग्स, ओवरऑल कुछ भी नहीं है, इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इन्होंने बना के रखा है, वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इस बाइक के बारे में। तो अभी हम जो बात करते हैं वो सस्पेंशन जो है गाड़ी का मिड साइड पर रखा है इन्होंने, एक अच्छी बात यह है कि सारे जितने बम्स होते हैं उसको सोक इन कर देते हैं काफ़ी कम्फर्टेबली, और जो होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हार्ड बम्स जो होते हैं वो तो ऑब्वियसली अंदर पास इन हो जाते हैं, बट दैट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज द सीट्स आर मच सॉफ्टर। अभी हम लोग देखते हैं कि गाड़ी का i3s कैसे काम करता है, सो टू चेक द i3s राइट, आपको कुछ नहीं है, जैसे मैंने गाड़ी को रोक दिया है, अभी आपको पता है फंडा क्या है i3s का, फंडा ये है कि मैं i3s यहाँ पे ऑन है तो गाड़ी अपने आप बंद हो गया, राइट बंद हो गया, जैसे ट्रैफिक में अगर आप कहीं पे जा रहे हो आप रुक रहे हो तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है, लेकिन आपको गाड़ी शुरू करना है तो आपको मतलब स्टार्टर दबाने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लच दबा दो तो गाड़ी स्टार्ट हो गया। दिस इज द फंडा ऑफ i3s व्हिच आई लाइक टू द कोर। सो गाइस दिस वाज इट फॉर द वीडियो, मैं आशा करता हूं कि गाड़ी का जो वीडियो आपको पसंद आया है। एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि बाइक के साथ आपको मिलता है 5 years का वारंटी, जिसका इस हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से आपको मिलता है 5 years का वारंटी। सो गाइस थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एज यूजुअल आई लाइक एंड दिस वीडियो विद जय हिंद वंदे मातरम।